भारत अभियान के तहत श्री भवानी शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पथ नंबर 7 सीकर रोड जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत अभियान रैली सुबह 8:30 पर निकाली गई। इस दौरान स्कूल प्राचार्य डॉक्टर अर्चना अग्रवाल और एनसीसी अधिकारी और समस्त स्टाफ के सानिध्य में यह रैली भवानी शिक्षा निकेतन परिसर से साइकिल से बच्चों द्वारा प्रारंभ होकर मुल्लीपुरा प्रतापनगर चौराहा होते हुए सीकर रोड खेतान हॉस्पिटल से पुनः श्री भवानी शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची। प्रोग्राम आज सर आज एनसीसी के कैडेट्स की रैली है, प्लस एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं इनके थ्रू। और रैली जो है हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज वेल एज स्वच्छ भारत अभियान के लिए, दोनों के लिए जी। किसके साथ में मिलकर आप करा रहे हैं? हम स्टूडेंट्स भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सौजन्य से है ये सारा प्रोग्राम जी। और ये नेवी वालों का कुछ हो लगे? हाँ, इनका एनसीसी कैडेट एयर विंग्स और नेवल विंग्स दो हैं हमारे पास में, दोनों का। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? राउंड अबाउट 50 से अबव स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों विंग्स के मिला। सर अवेयरनेस प्रोग्राम है एक तरह का, लोगों में अवेयरनेस जागरूकता लाना सफाई स्वच्छता के लिए, और दूसरा मेन है प्लास्टिक के यूज़ के लिए, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक। सर साइकिल रैली इसी संदर्भ में है जी। फिटनेस सर बच्चे थोड़ा सा बहुत इसमें प्रमोटेड हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, फिटनेस प्रोग्राम ही एक तरह का पूरा। आज नेवल विंग एंड एयर विंग के कैडेट्स एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार के द्वारा उपक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत जन जागरण अभियान जनता को संदेश देना चाह रहे हैं एनसीसी के द्वारा। और जो साइकिल के द्वारा जो संदेश दिया गया है कि उसके द्वारा फिट इंडिया जो अभी भारत सरकार में उपक्रम ये भी चल रहा है कि फिट इंडिया रहें, मतलब सभी स्वस्थ रहें और कोई भी जो रोग जो अभी कोरोना जैसी बीमारियां चल रही है वो जो साइकिल चलाएंगे तो उसमें पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा और अपने तेल और डीजल इनकी भी बचत होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करें इसके द्वारा संदेश दिया गया। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? इसमें कम से कम 70 जो बच्चे जो एनसीसी कैडेट्स हैं उन्होंने भाग लिया। और हमारे भवानी निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दोनों विंग चलती हैं, एयर विंग और नेवल विंग। उनके एयर विंग के हमारे संजय बिंडा जी जो सर हैं वो लेफ्टिनेंट हैं और कैप्टन रघुनाथ सिंह जो नेवल विंग के हैं वो इनमें पार्टिसिप कर रहे हैं। और हमारे स्टाफ के जो हैं मेंबर जो टीचर्स हैं वो भी इसमें भाग लिए, और हमारे प्रिंसिपल महोदय जो डॉक्टर अर्चना अग्रवाल हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया और इसको हमारे को सफल बनाया। आज वनराज स्क्वाडन एनसीसी जयपुर के जो भवानी निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के जो कैडेट्स है सीनियर विंग और जो जूनियर विंग दोनों ने आज प्लास्टिक बैन के ऊपर आज जन जागरूकता रैली निकाली है। क्या मोटिव था सर जन जागरण रैली निकालने का, क्या संदेश आप देना चाहते? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्लास्टिक है जिससे अपने देश की जो पॉपुलेशन है वो नष्ट होती जा रही है और जो प्लास्टिक से जो कई प्रकार की बीमारियां है पर्यावरण प्रदूषण है इसको रोकने का एक उपाय बताया गया है।